तो आज से 21 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तब जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आए थे और तब मैंने ही उनसे इमरजेंसी के मुद्दे पर बात की थी और उन्होंने कैसे इमरजेंसी पर अपना बचाव किया था कांग्रेस का बचाव किया था या कह लीजिए कि पक्ष रखा था वो आज, आज आपको सुनना चाहिए प्रेसरशिप जजों के तबादले स्ट्र, का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास So, emergency is an extraordinary situation, and naturally its impact would be extraordinary. Oh, it's not a normal situation. And that's why. That's why, that's why the decisions were, were also not normal. They were also <clears throat> not no, no, it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary situation. Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision somebody feels that it may not be correct decision but it was an inevitably necessary decision so far i am concerned i cannot just sit on value judgment from the hindsight but this much i can tell that at that point of time what was considered to be necessary was being done and what happened after that It was not list, emergency excesses. ये है कि उस समय प्रेस सेंसरशिप हुआ हजारों लाखों लोगों को जो है उनकी डिजिटलाइजेशन प्र, हुआ प्रताड़ित हुए लेकिन जो ये फैसला करने वाले थे उनमें से इनफेक्ट किसी भी का भी कुछ हुआ नहीं बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई

That the way justice are conducted sir commission, the procedurally it was totally wrong, and that is the law of the land, that plea has been taken by umpteen number of persons later Mr. on. -ji, uh, so I'm... if you follow a wrong procedure and thereafter you come to certain conclusions you cannot hold the people guilty. Yeah, do you no, agree no? that sanjay gandhi became a sort of extra-constitutional authority that time and he used to instruct cabinet ministers. did he ever instruct you also? even in that report of justice shah commission i said, though he did not believe it, justice, if, if somebody goes through the report, it is such a perverted report that whatever he has his conclusion that certain people are to be found guilty. therefore, whoever spoke against them, he gave credibility to them. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उस समय इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर कमीशन तो बहुत बैठे लेकिन कभी भी उस दौरान संविधान को तोड़ने के लिए भारत में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए करोड़ों लोगों के हितों को और उनके अधिकारों को छीनने के लिए कभी भी भारत में उसके बाद किसी को कोई सज़ा नहीं हुई किसी को दोषी नहीं ठहराया गया किसी को किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया सोचिए इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन किसी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर वर्ष 1971 से लेकर इमरजेंसी तक के समय का आकलन किया जाए तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी को कई बातें परेशान कर रही थी और वो किसी भी कीमत पर अपने इस गांधी नेहरू परिवार की विरासत को खत्म नहीं होने देना चाहती थी या कह लीजिए कि अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती थी और इसके लिए उन्होंने देश के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आजकल आप कांग्रेस के कई नेताओं को ये कहते हुए सुनते होंगे कि भारत में संविधान खतरे में है और भारत में आज़ादी खतरे में है भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है लेकिन सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी ने इस संविधान को एक कागज़ का टुकड़ा बनाकर रख दिया था और संविधान की आत्मा को भी मारने का काम किया था इंदिरा गांधी ने उन्नीस से उन्नीस तक भारत के संविधान में 24 से लेकर उनतालीस तक संशोधन किए और उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी धीरे धीरे संविधान को ही बदलने लगी थी और वो सीधे ही अपना संविधान एक तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग ये कहते थे कि फिर आप अपना ही संविधान बनाकर क्यों नहीं लागू कर देती इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फकरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए और उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसकी काफी चर्चा रही थी आज हम आपको वो मशहूर कार्टून दिखा रहे हैं इसमें फ़खरुद्दीन अली अहमद एक बाथ टब में नहा रहे हैं और नहाते नहाते ही आधी रात को उनके पास अध्यादेश आया और उस अध्यादेश पर वो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं इससे पता ये चलता है कि उन्होंने ना तो उस अध्यादेश को ठीक से पढ़ा ना ही उस पर अपनी कोई राय लिखी ना ही उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उसे वापस इंदिरा गांधी को भेजा कि वो एक्सप्लेन करें बल्कि उन्होंने बहुत ही कैजुअल तरीके से उस पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि आदेश इंदिरा गांधी की तरफ से आया था और फिर इसके बाद जानते हैं क्या हुआ रात में आधी रात को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए सुबह सुबह छह बजे इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई मंत्रिमंडल में जो लोग थे मंत्री थे किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है मंत्रिमंडल की बैठक में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को बताया कि वो इमरजेंसी लगा रही हैं और इसके बाद वो सीधे ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो जा रही हैं और वहाँ पर वो ऑल इंडिया रेडियो पर यानी रेडियो पर ये ऐलान कर देंगी कि आज से देश में आपातकाल लागू किया जा रहा है और आज यहाँ इमरजेंसी पर हमारा पहला बाघ पहला एपिसोड खत्म होता है कल हम आपको बताएंगे कैसे भारत में इमरजेंसी लागू होने के बाद भारत में मीडिया फिल्म जगत पत्रकार सबका दमन किया गया और कैसे इंदिरा गांधी का रिमोट कंट्रोल उनके पुत्र संजय गांधी के पास चला गया और आगे बढ़ने से पहले इससे पहले कि हम कल जब आपको दूसरा हिस्सा दिखाएंगे इस सीरीज का आज हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहते हैं ऐतिहासिक ऑडियो क्लिप है 26 जून 1975 को सुबह सुबह ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी की घोषणा की थी आज आप इस क्लिप को सुनिए और फिर यहाँ से हमारा दूसरा एपिसोड शुरू होगा कल रात नौ बजे आकाशवाणी है अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए भाइयों और बहनों राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India.